विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम बीएड सेकेंडरी की पाठ्य पुस्तक अधिगम हेतु आकलन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कई फर्स्ट आकलन की अवधारणा की सामान्य व्याख्या। इस व्याख्या के अंतर्गत हम पढ़ेंगे फर्स्ट इकाई पढ़ेंगे आज का हमारा प्रकरण है वह आकलन के उद्देश्य और पहलू है। हम इस पहली इकाई के अंतर्गत आकलन और मूल्यांकन के संदर्भ में विशेष तौर पर देखेंगे कि इसके अंदर आकलन का उद्देश्य और महत्व और आवश्यकता की पूर्ति किस प्रकार से अध्यापक अपने विद्यार्थियों का समर्थन करता है। तो पिछले वीडियो व्याख्यान में हमने तीन आवश्यकता महत्व पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे फोर्थ है वह है कि अधिगम सूचनाओं का ज्ञान देना। तो हमने इस फोर्थ आकलन के उद्देश्य और महत्व और आवश्यकता के अंतर्गत फोर्थ बताया कि अधिगम सूचनाओं का ज्ञान देना। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को अधिगम संबंधी सूचनाओं का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, जिसके विद्यार्थियों के अनुसार शिक्षक के द्वारा व्यवस्था और नीतियां निश्चित की जाती है कि इसके लिए शिक्षक उन सभी उपायों को और व्यवस्थाओं को अधिगम स्तर बनाए। कहने का मतलब होता है कि वर्तमान समय के अंदर जिस प्रकार की शिक्षण विधियां या शिक्षण नीतियों का संचालन हुआ है तो अध्यापक को समसामयिक वर्तमान की चलने वाले प्रचलित अधिगम सूचनाओं या अधिगम गतिविधियों को या प्रविधियों को विद्यार्थियों समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे विद्यार्थी उस क्रिया के प्रति उस कार्यकारिणी के प्रति आकर्षित हो और उस क्रिया को सीखने के लिए तत्पर हो। तो अधिगम सूचना के मतलब अधिगम होता है कि शिक्षण ने अध्यापक को शिक्षण कार्य के प्रति इस प्रकार का आकर्षण इस प्रकार का प्रभावशीलता का रूप तैयार करना चाहिए जिससे विद्यार्थी उन नीतियों को स्वचालित रूप से क्रमिक रूप से उसका अध्ययन कर सके और उसका अधिगम सूचनाओं का सही क्रम से उसका विकास हो सके। अधिगम जो स्तर है उसकी पढ़ने की क्षमता है वो उच्च योग्यता और क्षमता और अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार उसमें उच्चतर और स्थायी भाव का संचार हो सके। इस प्रकार का अधिगम सूचनाओं का ज्ञान हमें अध्यापक का होना चाहिए। पांचवा बताया गया है वो है पांचवा है अधिगम शिक्षण अधिगम ये शिक्षण अधिगम की व्यवस्था। पांचवा पॉइंट है वो है शिक्षण अधिगम की व्यवस्था। शिक्षण अधिगम की व्यवस्था कर पांच नंबर जो है इसमें हम पांचवा चरण पढ़ रहे हैं। तो शिक्षण अधिगम की व्यवस्था करना मतलब इसमें आकलन प्रक्रिया के द्वारा विद्यार्थियों के लिए उन सभी संसाधनों की व्यवस्था की जानी चाहिए जो प्रत्येक प्रकार के बालकों की आवश्यकता की पूर्ति कर सके। वर्तमान समय में देखिए आज हम पढ़ रहे हैं शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया शिक्षण अधिगम की व्यवस्था करना। आज हमारे महामारी वैश्विक महामारी COVID-19 के दौर पर आज हम सभी विद्यालय स्कूल जो बंद पड़े थे उन संस्थाओं ने विद्यार्थियों के भविष्य का निर्माण या भविष्य की ओर देखते हुए उन सभी संस्थाओं ने सरकारी नीतियों ने ऑनलाइन शिक्षण का प्रावधान रखा था जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को कुछ तकनीक का प्रयोग करना सीख सके। कंप्यूटर के माध्यम से सेलफोन के माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से किस प्रकार के शिक्षण को अधिगम है कि वर्तमान समय की समसामयिक घटनाओं के बारे में जो भी विद्यार्थी पढ़ रहा है वो शिक्षण अधिगम व्यवस्था कि वर्तमान समय में चलने वाले जैसे ऑनलाइन क्लासेस हैं प्रोजेक्टर के माध्यम से हैं या इंटरनेट के माध्यम से हम जो शिक्षण प्रक्रिया को अपने जा रहे हैं अध्यापक भी उन बालकों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसकी जो पिछड़ा वर्ग को ध्यान में रखते हुए उसकी अधिगम प्रकार की जितनी भी जो प्रकार की जो शिक्षण नीति है उनको समझा दें कि शिक्षण अधिगम की व्यवस्था करना उन विद्यार्थियों को जो पढ़ने से जो पिछड़े गाँव में जहाँ पर नेटवर्क नहीं है जहाँ पर सेलफोन की सुविधा उपलब्ध नहीं है जहाँ इंटरनेट नहीं है उन विद्यार्थियों को अधिक से अधिक उन सब
छठा पॉइंट है, छठा पॉइंट है वो समावेशन, समावेशन को प्रोसेस करना। कौन सा समावेशन को प्रोत्साहन करना, समावेशन। इसमें इस प्रकरण में यह शिक्षण विधि में बताया गया है कि इसमें एक विद्यार्थी विद्यालय के अनुशासन हिंसा करता है, समावेशन अनुशासन नियमों का उल्लंघन करता है तो दूसरे छात्रों से झगड़ा करता है। जब नियमों का जब उल्लंघन होता है तो जब उल्लंघन होता है तो विवाद विवाद बढ़ता है, और वाद विवाद बढ़ता है तो एक दूसरे छात्रों के प्रति क्या होता है, झगड़े उत्पन्न होने लगते हैं। तो शिक्षक के द्वारा, एक अध्यापक के द्वारा उन छात्रों के व्यवहार के कारण उनको समझाना चाहिए कि आप सभी जने, हम कहते हैं कि विश्व कुटुकम कुटुकम देश होते हैं, हमारा पूरा भारत, पूरा विश्व एक समाज भाईचारे की तरह रहता है। तो हम एक शिक्षक को इस प्रकार के व्यवहार को समझाना चाहिए कि उन सभी समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जाता है। हम लड़े झगड़े करने से कोई समस्या का समाधान समाधान नहीं हो सकता है, हमें उन समाधानों को, उन समस्या का समाधान हम आपस में समझाइश करकर, उन क्रियाओं के प्रति जो क्रिया हुई है उन क्रियाओं को समझाकर विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाना या उस व्यवहार को परिवर्तित करना अपरिवर्तित बनाना एक अध्यापक का कर्तव्य है कि उनको समाज समावेशन प्रोसेस करना, उनकी बुराइयों को समाप्त करके अच्छाइयों को भरना चाहिए। तो ये आकलन मूल्यांकन के महत्व करने बताइए कि आधुनिक अध्यापक विद्यार्थी के समक्ष किस प्रकार के निर्णयों को समावेश करता है। फिर है सातवां पॉइंट जो है उसमें बहिष्करण को हतोत्साहित करना, बहिष्करण कौन सा है, बहिष्करण को हतोत्साहन करना। बहिष्करण क्या होता है, जब व्यक्ति अपराधी बनता है या अपराध करता है तो समाज के व्यक्ति, समाज के व्यक्ति में जिस प्रकार के व्यक्ति ने जिस प्रकार के नियमों का उल्लंघन किया है, समाज मिलकर उस व्यक्ति का बहिष्कार करता है। उसी प्रकार एक अध्यापक कक्षा कार्य के अंतर्गत उन सभी अपराधी अनुशासनहीनता जो अपनाता है, ऐसे विद्यार्थियों को विद्यालय से निकाल दिया जाता है, क्योंकि उस विद्यार्थी के रहते हुए विद्यालय में रहते हुए सभी प्रकार के सामाजिक असामाजिक तत्वों का उत्पादन होता है। मतलब कहने वाला है कि आए दिन हम झगड़े विचार होते रहते हैं तथा उन उपायों की खोज की जाती है जिसमें उस व्यवहार को या उचित व्यवहार को या है इस प्रकार के छात्र में ये व्यवहार किस प्रकार से हुआ है। तो ऐसे व्यवहार को समझाने के बजाय उस विद्यार्थी ही बहिष्कार कर दो, क्योंकि कहते हैं कि हम हमारा चरित्र किस प्रकार से होना चाहिए। तो अध्यापक अपने जीवन के अंतर्गत विद्यार्थी के अच्छे चरित्र का निर्माण करना एक अध्यापक कर्तव्य होता है। वह अपने अनुसार किस प्रकार के चित्रण को, किस प्रकार के परिष्कार को समझाता है। हम इस चार मुख्य बिंदुओं उद्देश्य और आवश्यकता के महत्व से आकलन के उद्देश्य और आवश्यकता महत्व के अंतर्गत हमने आज के प्रकरण में हमें चार बिंदु हैं कि अगर बहिष्करण, जिस विद्यार्थी के प्रकरण व्यवहार अच्छा नहीं होता है, उसकी बोल चाल अच्छा नहीं होता, तो उस अध्यापक का एक अध्यापक निर्णय करना है उसको नकारात्मकता करता है, परंतु उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना ही बहुत ही उपयोगी है। अगर हम बार बार कहने के बाद भी अगर समझ नहीं पाता है उसको, विद्यार्थियों को इस प्रकार के संस्थाओं से बाहर निकाल देना चाहिए। ये बहिष्कार और हतोत्साहन का संदर्भ है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही।